भैया दो चाय करना। अच्छा मैं एक मिनट में आऊंगी जरा। हाँ चाय के साथ लोगी क्या कुछ? नहीं बस हो गया। चलो ठीक है मैं बिल दे देता हूँ। ओके। अरे पर्स कहाँ गया मेरा? यहीं तो रखा था मैंने। देखो यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? अरे यहीं तो रखा था, तुमने लिया है क्या? पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों लूंगी तुम्हारा पर्स? अरे कहाँ गया फिर, यहाँ पे तो बस हम ही दोनों है। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, चाय वाले भैया भी तो आए थे। अरे वो ऐसे नहीं है यार। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी हूँ? अरे मैं बहस नहीं करना चाहता, अगर लिए तो दे दो। हद होती है, जब मैं कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं लिया है फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अरे तू जाएगा कहाँ यहाँ से? मुझे क्या पता। देखो अगर तुम कोई मजाक कर रही हो तो बता दो प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, इरिटेट मत करो मुझे। देखो तुम दिमाग खराब मत करो, अगर पैसे चाहिए तो मांग लो मुझसे, ऐसी ये गिरी हुई हरकत मत करो। कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा पर्स चुराया। अरे मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारा पर्स? क्या पता पैसों के लिए भी कर सकती हो, अपनी शॉपिंग करने के लिए। देखो ऐसा है, मुझे ना तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ तुम्हारे पर्स में मुश्किल से 1000 रुपए होते हैं, उस 1000 रुपए में ना मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ हाँ रहने दो, बस पर्स दो मेरा, मैं यहाँ तमाशा कोई नहीं करना चाहता। तमाशा तो तुम कर रहे हो मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर। मुझे भी नहीं पता था मेरी गर्लफ्रेंड चोर है। देखो बहुत हो गया तुम्हारा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ठीक है फिर अपना पर्स चेक कराओ। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा पर्स चेक करोगे? अगर तुमने पर्स लिया ही नहीं है तो पर्स चेक करा दो। मैं नहीं चेक करवाने वाली पर्स, माना है तो मानो, तुम्हारी मर्जी। पर्स चेक कराओ। ये क्या बदतमीजी है? ये देखो ये क्या है? ये कहां से आया मुझे सच में नहीं पता। चल झूठी, मुझे पता था ये पर्स तूने ही लिया है। देखो मेरा यकीन करो, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा पर्स मेरे पर्स में कैसे आया, मैंने नहीं रखा था। अरे तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं। देखो जुबान संभाल के बात करो, अपना तुम्हारा बहुत हो रहा है। अब तुम दोनों शांत हो जाओ भाई, आपस में इतना लड़ क्यों रहे हो? देखो ना भैया कैसे झूठ बोल रही है ये। नहीं भैया वो झूठ नहीं बोल रही है। अरे भैया अभी इसी के पर्स में तो मेरा पर्स मिला। लेकिन भैया मुझे नहीं पता कि इसका पर्स मेरे पर्स में कैसे आया। मुझे पता है। मतलब भैया वो आपका पर्स मैंने इनके पर्स में रखा था। पर भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये मैंने आपके लिए ही किया था बहन। अरे आप कहना क्या चाहते हो भाई साहब? क्योंकि भैया तो यही चाहते थे। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? देखो मैं बताना भी नहीं चाहता, और वैसे भी आप दोनों के पर्सनल लाइफ में आने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर आप दोनों इतने वक्त से मेरे यहाँ चाय पीने आते हो इसलिए आप दोनों को मैं अपने फैमिली जैसा समझने लगा था। भैया प्लीज साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हो। बहन रोज की तरह भैया 2 दिन पहले भी यहाँ चाय पीने आए थे, और यहाँ बैठकर वो किसी लड़की से बात कर रहे थे और कह रहे थे। क्या करूँ यार मैं तो फंस गया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा यार क्या करूँ। यार मेरे चेप रहती है जब देखो, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कोई एक गलती हो उससे और उसको मैं छोड़ दूँ। भैया आप मजाक कर रहे हैं ना? पर भैया जब मैंने देखा कि आप दोनों सबके सामने एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आप इनकी बेइज्जती नहीं कर रहे थे, आप अपने अपने प्यार की बेइज्जती कर रहे थे। और वैसे भी मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ। नहीं भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरी आँखें खोल दी। और तुम, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और थी तो मैं मुझसे नहीं किसी और से प्यार था तो तुम मुझे पहले ही कह देते, मेरे साथ यूँ धोखा करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सॉरी बेबी मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होएगा। माफ गलती के लिए किया जाता है, किसी की जिंदगी और उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए नहीं। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ खेल रहे थे, खुश रहो। पर बेबी